इब्नु रावंदी के हवाले से पूछा जाता है कि ये कौन था। ये एक मोतज़ली था, बाद में मुलहिद हो गया था। 345 हिजरी में इसकी वफ़ात है। खिलाफत बनो अब्बासिया के दौर से इसका ताल्लुक़ है। इसका असल नाम अहमद बिन याहिया था। ये बहुत बड़ा फाजिल था, नामालूम असबाब की बिना पर मुलहिद हो गया और इस्लाम की मुखालफत में इसने बहुत सी किताबें लिखीं। एक किताब में तमाम मुवाहिदीन का रद्द लिखा, जिसका नाम किताबु ताज है। एक किताब में नाउज़ बिल्ला कुरान मजीद का रद्द लिखा, जिसका नाम अद्दामिग है। एक किताब में जिसका नाम फरीद है, तमाम अंबियाए किराम पर एतराज़ात किए। एक किताब अज़मरुद के नाम से लिखी, जिसमें शरीयत इस्लामिया का मुकम्मल रद्द किया गया। तफसीर कबीर में इसके बाज़ एतराज़ात नकल किए गए हैं। इन नालायकियों के बावजूद इसको खुलफा की तरफ से कत्ल नहीं किया गया था, ना ही सज़ा दी गई थी, ना जिला वतन किया गया था। सिर्फ ये किया गया कि उलामा ने उसके मुलहिदाना किताबों के रद्द लिखे और उसके तमाम एतराज़ात की धज्जियाँ उड़ा दीं।